एक दूल्हे की बारात निकल रही थी। तो मीरा जी ने कहा कि ये कौन है? उनकी माँ ने कहा ये दूल्हा है। मीरा जी ने कहा मेरा दूल्हा कौन है? उन्होंने उनको बाल रूप की भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति दी और उस मूर्ति को ही मीरा ने अपना दूल्हा मान लिया। मेरे पीछे मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह जी की पटरानी महारानी कनकावती ने करवाया था। 1599 से 1608 के बीच में इस मंदिर का निर्माण हुआ और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये देखिए दोस्तों, मंदिर का ये गेट जो है, ये तोरण बोलते हैं इसको, तोरण गेट। इसके दोनों तरफ बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हाथियों का निर्माण किया गया है और निर्माण शैली आप देख रहे हैं इसमें दक्षिण शैली को भी इस्तेमाल में लाया गया है। ऊपर जो आप फूल देख रहे होंगे बीच में, एक मुगल शैली का प्रतीक होता है। और जो मंदिरों का ऊपर का जो हिस्सा है, मंदिर जो छोटे मंदिर जैसे बनाए हुए हैं, उसको आप कह सकते हैं कि राजपूताना शैली में। इस मंदिर का निर्माण उनके जो बेटे थे जगत सिंह, चित्तौड़ के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्मारक के तौर पर उनकी याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, इसीलिए इसका नाम जगत शिरोमणि मंदिर पड़ा। ये एक छोटा गेट है, रास्ता है, आप देख रहे हैं पूरा पत्थर से इसका निर्माण किया गया है और राजपूताना शैली में इसका पूरा निर्माण किया गया है। दोस्तों ये देखिए इतनी खूबसूरत कारीगरी की गई है। ये द्रविड़ शैली की कारीगरी लगती है। जो साउथ में, दक्षिण में जो मंदिर होते हैं वहाँ पर ऐसी कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। ऊपर जो देख रहे हैं मंदिर का जो निर्माण किया, छोटे मंदिर का जो निर्माण किया गया है मंडप में, और उसके ऊपर जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं, कितनी सुंदर कसीदाकारी वहाँ पर की गई है। और ये देख रहे हैं ये जो चबूतरा है, मतलब एक तरह से एक ऊँचा उठा करके और मंदिर का मंडप आप देखने बनाया गया है, इतना पुराना। और ये जो कारीगरी है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी की पूरी मुगल शैली की कारीगरी लगती है। ये देखिए ये जो छज्जा है, इसके नीचे जो सपोर्ट दी गई है, पूरी की पूरी पत्थर से निर्माण और ज़बरदस्त महीन कारीगरी यहाँ पे की गई है। और ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये लाल पत्थर में ये कारीगरी है और बहुत ही महीन कारीगरी इसमें भी लाल पत्थर में आप देख रहे हैं। नीचे सपोर्ट दिया गया है, ये नीचे से आने जाने के लिए रास्ता है। ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक स्टोन के ऊपर कारीगरी की गई है, आप देख रहे हैं देखिए। और ऊपर संगमरमर का यूज़ किया गया है। ये झरोखे बनाए गए हैं मंदिर में। ऊपर मूर्तियाँ आप देख रहे हैं वो देखिए, और ऊपर वो छज्जा आप देख रहे हैं मंदिर का, सामने भी झरोखा, ये भी झरोखा है। ये पूरा ब्लैक स्टोन के ऊपर हाथी और घोड़े चित्रित किए गए हैं। आइए, यहाँ पर ये एक दो पत्थर सीधा लगा के ऊपर एक पैरेलल पत्थर लगाया गया है दोस्तों। और ये कुछ नीचे इसमें ये लगाया गया है लोहे का कड़ा, शायद कुछ बांधने के लिए होगा। और यहाँ पर एक ये चबूतरा बनाया गया है जिसमें संगमरमर का यूज किया गया है। ये झरोखे चारों तरफ मंदिर के और नीचे पूरा काले पत्थर में कारीगरी, ये आप देख रहे हैं टोटल द्रविड़ शैली में, दक्षिण शैली में बनाया गया पूरा का पूरा मंदिर का पिछला हिस्सा। दोस्तों मंदिर का पूरा पिछला हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा दक्षिण शैली में बनाया गया है। इधर हाथी है, हाथी का एक वो बनाया गया है जिसमें से पानी निकलने का रास्ता है। और आप देखेंगे ऊपर पूरा का पूरा दक्षिण शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है।
थोड़ा सा मिट गया है दोस्तों। यहाँ से आप देखें थोड़ी सी जैसे हवा या पानी से थोड़ी सी डैमेज हुए हैं, यहाँ भी हुई हैं। नीचे पूरा जो ये स्टोन है पूरा एक ही स्टोन है, बेस जो बनाया गया है उसके बाद ये पत्थर और फिर उसके बाद ब्लॉक्स के साथ में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम से मंदिर को बनाया गया है। कुछ कोई थोड़ी सी भी जगह बाकी नहीं बची हुई है जहाँ पर कारीगरी नहीं की गई है। ये देखिए यहाँ पे रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है ऊपर ये जो बनाए गए हैं डिज़ाइंस,